नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शेर क्ले में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र की। जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल अब आने वाला ही है, तो दोस्तों हर कोई चाहता है कि नया साल उसके लिए काफ़ी शुभ साबित हो, तरक्की के रास्ते खुलें। तो वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे अपनाकर आप अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि नए साल में किन उपायों को करने से जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि आने के आसार होते हैं। दोस्तों, नए साल में आप अपने घर में चांदी का हाथी ला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि हाथी की मूर्ति को घर में रखने से शांति और सुख समृद्धि आती है। व्यक्ति को नौकरी में उन्नति मिलती है, राहु केतु का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। नए साल के पहले दिन आप अपने घर में धातु का कछुआ भी ला सकते हैं। घर में चांदी, पीतल और कांसे की धातु से बना कछुआ रखना काफी शुभ माना जाता है। इसे उत्तर दिशा में रखने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है, घर परिवार के लोगों की तरक्की भी बढ़ जाती है। घर में लाफिंग बुद्धा रखना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। आप नए साल में लाफिंग बुद्धा भी घर ला सकते हैं। इसे रखने से उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। घर में इसे रखने से धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। घर में मोर पंख रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इससे भाग्य के मार्ग में आ रही कई सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। नए साल में आप अपने घर में गोमती चक्र भी ला सकते हैं। इसे लाकर सिंदूर की डिब्बी में रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि 11 गोमती चक्र पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखने से काफ़ी बरकत आती है। नए साल में आप अपने घर मनी प्लांट या तुलसी का पौधा भी ला सकते हैं। वास्तु के अनुसार इन पौधों को घर में लगाने से धन दौलत मान सम्मान में वृद्धि होती है। घर में मोती शंख रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस शंख को विधि विधान से पूजा करना, यदि घर की तिजोरी में रखा जाए तो घर, कार्यस्थल, व्यापार स्थल और भंडार में पैसा टिकने लग जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।